पहुंच चुके हैं मेले में। आओ भाई हंसी चेहरे पे। इसमें वो वाली रील्स लगाऊंगा, इन गरीबों को भी खिला दिया। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली को। सो भाई, आज का जो हिसाब किताब है ना, आज हम जा रहे हैं मेले में। तो मैं रोज ही मैं ऐसे फोन पकड़ के कर लेता था, तो आज भाई तुम्हें दिखाता हूँ जो व्लॉगर्स होते हैं उनका स्ट्रगल दिखाता हूँ। सो भाई, ऑडियो क्वालिटी जो साउंड होता है वो अच्छा है, उसके लिए हमें देखो ये करना पड़ता है। ये दिख रहा है, ये माइक होता है, ये लगाना पड़ता है यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ता है, और उसकी ये जो वायर है ना, वायर डालनी पड़ती है ऐसे, और फिर उसके बाद ये जेब में डाल देते हैं हम, और फिर फोन इससे कनेक्ट करके फिर वीडियो बनाते हैं ऐसे हाथ में लेके, ऐसे ऐसे जो आपको दिखता है ना कि भाई ये बंदा ऐसे ये चूतिया कुछ भी कर सकता, कोई भी बना सकता है वीडियो। ये तो भाई वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं होता, पब्लिक प्लेस में ना थोड़ी थोड़ी फटती भी है जब लोग आपको देखते हैं। बट कोई नहीं, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और मेरे को दिख रहा है थोड़े बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दो चार करके। बट कोई नहीं, ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है। तो भाई आज की वीडियो में यह है कि आज हम मेला जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं जो मेला लगा हुआ है दशहरा का वो कैसा है, और फामिया को लेके जाना था मुझे, और नोनी भी जाएगी अपने भाई को लेके, तो दिखाते हैं जैसा रहता है आज का जो भी सीन रहता है। और मैं भाई भाई करके बोलता हूँ बिकॉज मेरे दोस्त यार इतने हैं नहीं, तो मेरे को जो थोड़ी बहुत पुरानी आदत है ना, मैं गाइज नहीं बोलता, मैं भाई बोलता हूँ ज़्यादातर। जैसे स्कूल में आदतें रहती है ना भाई भाई करके बोलने की, और आगे जाके भी, तो इसलिए मैं भाई भाई करके बोलता हूँ। तो भाई कृपया करके माफ़ करें मेरे को अगर ये चीज़ किसी को बुरी लगती हो तो, पर मेरा जो तरीका है वो ऐसा ही रहेगा। बाकी आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, अपना टाइम निकाल के आप मेरी वीडियो देखते हैं। लेके जा रहे हैं मेले में, देखो इनकी खुशी देखो। इधर देख, इधर मनी लेके जा रहा। ये थर्ड आई थी मैडम अपने उसमें कंपटीशन में, तो ये अब तिल्ली तोड़ रही है कि भाई लेके जाओ मेले में इसे, वो हाँ तो मैं लेके जाऊंगा ना पक्का। हाँ ये भी मिला था, देखो वीडियो में दिखा रही है थर्ड रैंक आने पे क्या क्या मिला था इसे। चलो अब चल रहे हैं ना फिर। हाँ हाँ बस 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 भीड़ देखो मेरे की। भाई देखो हम पहुंच चुके हैं मेले में। ये भी आए हुए यहाँ पे। चलो कौन सा वाला रिवर्स में हम बता, वो जो ट्रेन वाला जा, ट्रेन वाला दिख पाएंगे। ठीक है ठीक, अभी चलते हैं दिखा। ओए देख नहीं रहा तेरे को भाईजान, मजे लो। मजा आया था, मजा आया, कितना मजा आया, बहुत सारा। तो आज क्यों नहीं रही फिर।
अब आई है हंसी चेहरे पे। चलो बाहर चल रहे हैं, ठीक है। देखती रहती है यूट्यूब पे मैं जो तो भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से बाहर और पामू ने एक राइड ली, मैंने एक भी नहीं ली, इन दोनों ने एक एक ली। हालत ख़राब हो गई भाई यहाँ पे। ये तो सेट है अपना आइसक्रीम में, तो अभी जाते हैं रेस्टोरेंट में, किसी में वहाँ पे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। सो भाई यहाँ पे हम आ चुके थे रेस्टोरेंट के अंदर, बट यहाँ पे मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, इस वजह से साउंड आ नहीं पाया प्रॉपरली। तो यही था, यहाँ पे हम फामिया के साथ आ गए थे रेस्टोरेंट में। फामिया, नोनी, मैं और कार्तिक, ये रे नोनी और कार्तिक बैठे हुए हैं दोनों। मैं यही कह रहा था कि अंधा हो जाएगा, मेरा चश्मा पहन रखा है तूने, तो उसने उतार दिया था चश्मा। तो यही था यहाँ पे भाई, डोसा वोसा ऑर्डर करके अपन दोनों बैठ गए थे, अपन चारों बैठ गए थे। उसके बाद बस डोसा वोसा आया था, हम खावा के निकल गए थे, थोड़ी बकैतियाँ कर रहे थे नोनी से और कार्तिक से। तो यही था भाई इस पर्टिकुलरली क्लिप में। ये माइक ख़राब हो गया इसलिए ऑडियो आ नहीं पाई, तो मेरे को रिकॉर्ड करके बाद में डालना पड़ा। इस पर वो वाली रील्स लगाऊंगा, इन गरीबों को भी खिला दिया करो, ये लाचार है, मांगते नहीं है, इसकी भी लगाऊंगा इसमें। तो भाई खाना हमने खा लिया है एकदम, और टाइम हो चुका है 10:30 बज चुके हैं। तो अभी क्या अपडेट हुई है भाई, खाना खा गया हमने, कार्तिक का पेट नहीं भरा। और कुछ लेना है क्या? या मेरा मन था मोमोज खाने का, बट कोई नहीं, जा रहे घर। चलो चलो। सो भाई देखो अब हम बाहर आ गए, मार्केट का हाल देखो, पूरी मार्केट खाली हो चुकी है और हम यहाँ पे रात को डोसा खा रहे हैं, इसकी वजह से, रजनीकांत की वजह से। सो भाई अब हम घर आ चुके हैं, और मेले में भाई बहुत साउंड था, तो अभी एडिटिंग में मेरी फटेगी जैसी तैसी भाई हो। तो भाई उस मेले में ना व्लॉगिंग किया, तुम कदम रख लो, वही बहुत बड़ी बात थी, जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है, जैसे थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई, वही एडिट करने में मेरी ऐसी तैसी रही। तो घर हम आ गए हैं अभी, और यही था अभी तक की अपडेट भाई, कि घर आ गए, डोसा वोसा खा लिया, राइड वाइड ले ली, मेरे बच्चे को एक ही राइड मिली भाई, बिकॉज भीड़ इतनी थी, एक टिकट लेने के बाद भी लाइन इतनी लंबी थी कि अगर आज लगोगे तो कल नंबर आएगा, इतनी तगड़ी वाली लाइन थी। तो यही था हिसाब आज का, और अब तो भाई कान पकड़ लिया, अब नहीं जाना मेले वेले में, पैसे खर्च करके थोड़ा वाव वगैरह चले जाओ, फन एंड फूड वगैरह चले जाओ, तो मेले वगैरह में नहीं जाना। और टिकट भी बहुत कॉस्टली थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था कि 10-20 रुपए की टिकट हो भाई, 100-150 रुपए की टिकट थी एक राइड की। तो बस यही था भाई आज के व्लॉग में, व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक वगैरह करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, बाकी सबको लव यू।